सो हेलो मेरे भाई, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। यार देखो, तुम्हारे दिमाग में कभी ना कभी एक सवाल तो जरूर उठा होगा कि आखिर काइडो करना क्या चाहता है। भाई वो कभी कभी तो खुद को मारने का ट्राई करता है, वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है, कभी कभी वो अपने टक्कर के बंदे खोज रहा होता है, और कभी कभी क्या वो तो हर बार 20 साल से कर रहा है वानों को वेपन फैक्ट्री बना के रखता है। पर वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो साइको है? क्या वो पागल है? क्या उसका कोई फ्यूचर में कोई प्लान है? आज मैं इस बारे में बात करूंगा। अब देखो, ये सुसाइड वाला बात कहां से आया? मांगा के चैप्टर 795 में काइडो सुसाइड अटेम्प्ट करता है। वो स्काइपिया से डायरेक्ट छलांग मार देता है, प्लस उस चैप्टर का टाइटल का नाम ही था सुसाइड। अब वो कौन से एपिसोड में था वो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, पर हमको उस चैप्टर का बारे में याद है। लेकिन वो अटेम्प्ट करने के बाद बहुत ज्यादा वन पीस फैंस के बीच में एक चीज धारणा बन गई, प्लस वहां पर हमें काइडो का पावर देखने को मिला था, उसका रुतबा देखने को मिला था कि भाई बंदा स्काइपिया से डायरेक्ट छलांग मार दिया लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ। और जो लोग वानो आर्क में हैं उन सबको मालूम है यार कि काइडो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन फिर भी बहुत सारे वन पीस फैंस ये चीज कहते हैं, और बहुत सारे वन पीस फैंस के बीच में एक चीज तो डाउट रह ही जाता है, भाई अगर उसको सुसाइड करने का ही मन है, अगर उसका सपना ही है मरने का, तो यार वो डायरेक्ट समुंदर में काहे नहीं छलांग मार देता, वो ऐसे ही मर जाएगा, या फिर वो दो डेविल फ्रूट क्यों नहीं खा देता। एक चीज मैं बता दूं, काइडो सुसाइड अटेम्प्ट करता है बट उसको मरने का कोई शौक नहीं है, मतलब वो नहीं चाहता कि वो मरे, बिकॉज काइडो ना अपनी जिंदगी से बोर हो चुका है, वो तंग आ चुका है जिंदगी से। ऐसा तुम्हारे लाइफ में भी चल रहा होगा, ज्यादातर स्टूडेंट्स की लाइफ में ऐसा होता है, या फिर अगर बहुत बार ऐसा होता है तुमको जिंदगी झंडे लगने लगती है कि साला कुछ नहीं है जिंदगी में, ऐसा होता है। वैसे काइडो के साथ भी सीन है। और यार अगर तुम ध्यान से मेरी बातें सुनो ना, तुमको मेरी पॉइंट जो है थोड़ी लॉजिक टाइप की लगेंगी, क्योंकि मांगा में अभी तक ऐसा डिटेल में कहीं पे बताया नहीं गया है कि काइडो ये सारी हरकतें क्यों करता है। तो यार मैं इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स दूंगा जिससे तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जाए और तुमको तुम्हारे सवाल का जवाब भी मिल जाए। देखो, पहली बात तो काइडो मरना चाहता है, ये गलत है। हाँ, वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है क्योंकि वो जिंदगी से तंग आ चुका है। पहली बात, उसको उसके टक्कर का कोई मिला नहीं 20 साल से। जब ओडेन मिला था भाई, वो भी फेयर फाइट नहीं था, ओडेन को भी बेमानी से हराया गया था। अब 20 साल बाद उसको लूफी मिला है जो कि उसको फाइट में मजा दे रहा है, तो वो अब सुसाइड वाला दिमाग में उसके आ ही नहीं रहा। सेकेंड चीज ये याद रखना, काइडो वानो को पूरा वेपन फैक्ट्री बना दिया है, और इतने सारे हथियार वो क्यों बना रहा है? भाई वो फ्यूचर में एक बड़ी वॉर का हिस्सा होना चाहता है, बात समझ रहे? और वो वॉर कौन कराएगा? हम सबको मालूम है, अपना मंकी डी लूफी। साथ ही साथ मांगा के एक चैप्टर में जब लूफी अनकॉन्सियस होके ओनिगासिमा आइलैंड से नीचे गिर जाता है समुन्द्र में, तो वहां पर काइडो रोते हुए ये कहता है, यू कुडंट बी जॉय बॉय ईदर। और ये ईदर वर्ड कब यूज होता है पता है? जब आप एक से ज्यादा लोगों से वो चीज एक्सपेक्ट करो। मतलब काइडो इससे पहले भी किसी को जॉय बॉय समझता था, पर वो जॉय बॉय नहीं निकला। अब देखो, यहाँ पर मेरा क्या मानना है, मेरे को ऐसा क्या लगता है, सबको याद होगा काइडो जो है मरीन फोर्ड के टाइम पे इंटरेस्टेड था, वो मरीन फोर्ड में वॉर करना चाहता था, वो आ रहा था वहां पे फाइट करने, लेकिन फिर सैंक्स आ जाता बीच में और उसको आने से रोक देता है। और उन दोनों के बीच में क्या बातें हुई अभी तक रिवील नहीं किया गया। लेकिन एक चीज मैं कहूँ, काइडो वहां क्यों आना चाहता था? देखो, अगर तुम एक एनिमे वॉचर भी हो तुमको ये बात मालूम होगा, जब एस ओनिगासिमा आए रहता है उस वक्त काइडो वहां पर नहीं था, यामाटो वहां पर थी, और फिर एस वहां से वापस चला जाता है। हो सकता है काइडो इस चीज का रिग्रेट किया होगा। प्लस हमें एक और बात नहीं भूलना चाहिए, काइडो को जॉय बॉय के बारे में पता है, और मुझे ऐसा लगता है कि काइडो जॉय बॉय को ही खोज रहा है। अब जब एस यहाँ पर आता है, काइडो वहां पर नहीं था, तो उसको एक चीज का रिग्रेट हुआ कि जॉय बॉय आया था और मैं उससे मिल नहीं पाया, बिकॉज उसको गलतफहमी हो गया कि एस जॉय बॉय है। और जब मरीन फोर्ड में वॉर हुआ, व्हाइट बियर्ड ने हमला किया मरीन फोर्ड में, तो ऐसा हो सकता है काइडो को लगा हो कि एस ही जॉय बॉय है और वो ही वॉर करवा रहा है, और ये चीज जान करके काइडो भी उस वॉर में हिस्सा लेने के लिए चल पड़ा, जो कि ऑब्वियसली बाद में सैंक्स आके उसको समझाया होगा कि तू जिसे जॉय बॉय समझ रहा है वो नहीं है, ये है वो है। और फिर लूफी जब 20 साल बाद गया, उन दोनों के बीच में घमासान फाइट हुआ, भाई क्या ही बोलूं, अभी तो जिस हिसाब से फाइट चल रहा है बहुत ज्यादा जबरदस्त चल रहा है,
एक बार क्या बहुत बार काइडो उसको धो चुका है और अभी शायद लग रहा है कि लूफी काइडो के खिलाफ जीत जाएगा। और हाँ, एक चीज़ मैं कहूँ, बाद में अगर आगे जा करके काइडो तुमको अच्छा लगने लगे ना तो हैरान मत होना। प्लस काइडो जैसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर उसको ओडा नहीं मारेगा, ओडा उसको फ्यूचर के लिए बचा के रखेगा। भले ही हो सकता है वो जेल में पड़ा रहे, भले ही हो सकता है वो कहीं जा करके भाग जाए, भले ही हो सकता है वो कहीं जाके उड़ के चला जाए, लेकिन काइडो को ओडा जिंदा रखेगा और वो आने वाले टाइम पे फ्यूचर में लूफी का जरूर साथ देगा। अब यार ये तो था मेरा मानना, तुम लोग का क्या मानना है जरा कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलना। साथ ही साथ अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक मारो यार, और अगर तुम घूमते घामते इस चैनल पे नए आ गए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं ऐसे ही तुम्हारे लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।